वेलकम टू आवर ताजा ताजा ब्लॉग स्की फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलमोस्ट 9:30 बजने वाला है और हमारे कॉलेज में ओनम सेलिब्रेशन है। ओनम बेसिकली केरला वालों का बहुत अच्छा फेस्टिवल ऐसे बोला जाता है। तो उनका जैसे कि हर एक जात में होता है ना कि जिस हमारे में क्रिसमस होता है वो तगड़ा सेलिब्रेट होता है, गुड फ्राइडे होता है, ईस्टर होता है, ऐसे केरला वालों में एक ओनम का होता है जो बहुत तगड़ा सेलिब्रेट होता है। बंगाली में दशहरा बहुत तगड़ा होता है, साथ ओनम सेलिब्रेशन है वो भी। मेरे को यहाँ पे 4 साल हो गया ऑलमोस्ट, मैं पहली बार देख रहा हूँ ओनम सेलिब्रेट कर रहा, वो भी हमारे पैसे से। वो मैटर नहीं करते हमारे पैसे से कर रहा, बट हो रहा है इस साल। तो हमारे को बुलाया गया था बट मैं गया नहीं एक्चुअली, मतलब बोला कि सब आ सकते हैं करके, लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि मुझे खास इंटरेस्ट फील हुआ नहीं वहाँ पे। एक कहावत है ना, अब्दुल्ला शादी में बेगाना दीवाना है, समथिंग बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा है ना कि शादी किसी और का है बिना मतलब के इंसान जाकर दीवाना कोई और हो रहा। तो मेरे को ऐसा ही फील हो रहा था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा है कि दिख जाता है यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, चीज किसी और का है, सेलिब्रेशन ज्यादा कोई और कर रहा है, तुम गलती कर रहे हो नहीं कर रहे हो डजंट मैटर, तुम केरला से नहीं हो तुम्हारी माइंड, अगर तुम अलग से हो मतलब तुम केरला से हो, तुम गलती करो चाहे ना करो, तुम गलती करो डजंट मैटर। तो ये सब अच्छा ही लगता है पता है। तो मैं बोला आराम से रूम में रह जाता हूँ, फालतू कॉलेज क्यों जाना। बात रहा लंच का, जो कि लंच प्रोवाइड करवा रहे हैं वो लोग, घर पे भी खा सकता हूँ भाई, ऐसा नहीं दिखवाएंगे तेरे लंच के पीछे ही पड़े हैं। तो ये सब मैटर नहीं करता मेरे को एक्चुअली, भले मैंने पैसा दे रखा है ऐसे नहीं का 1000 रुपीज उससे सेलिब्रेट हो रहा है और 50 रुपए और एक्स्ट्रा करके मांगा गया था जो कि मैंने नहीं दिया। मुझे लगता नहीं कि बहुत सारे नहीं दिया, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारे ने नहीं दिया, मैं तो बस एक्सक्यूज हूँ ना कि हाँ मैंने भी नहीं दिया, बहुत सारे ने दिया एक्चुअली, तो मैंने भी दिया एक्चुअली। सो देखता हूँ अभी, आज तो कॉलेज ऐसे गया भी नहीं हूँ, दिन की शुरुआत करते फटाफट चिया सीट पी के, पता नहीं क्यों लेकिन खास इंटरेस्ट आता नहीं है, पता कॉलेज में मजाक सड़क बोलू खास इंटरेस्ट सच में नहीं आता। मैं एक वीडियो देखा जो कि बना रखा था स्टूडेंट लोग, कोई जूनियर होगा चाहे सीनियर हम खुद है, मतलब जूनियर लोग को बना रखा था, पता नहीं कौन था, उसमें प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व है, मतलब वाइस प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व है, बहुत सारे टीचर इन्वॉल्व है, उनको तुम फोन अलाउ कैसे करती है, प्रिंसिपल के चैम्बर में फोन अलाउ कैसे होगा यूज करने के लिए, हमारे तो तुम फोन पॉकेट में रखने के अलाउ नहीं करते, तुम पॉकेट से फोन निकलवा लेते हमारे कि भाई जो पॉकेट में फोन क्यों रख रहे हो दे दो हमारे को, उनको प्रिंसिपल के चैम्बर में फोन अलाउ कर दिया वीडियो शूट करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो कि कोई गौर नहीं करता एक्चुअली क्योंकि किसी को हिट नहीं हुआ सबसे, बट ये छोटी छोटी चीज ना आंख पे लग जाता है क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। सो ये सब एक्चुअली मेरे को अच्छा लगता नहीं, पता ही क्यों मेरे को सच में अच्छा लगता नहीं सब चूतिया अपना, मेरे को मजाक सट के सहन से बात होती है। सो वो सब बात तो साइड वाली बात है, फिलहाल अपना पर्सनल लाइफ भी कुछ चीज होता है जो कि इन लोग का एक्चुअली है नहीं, तो मेरा है। तो मैं अपना फटाफट शुरुआत करता हूँ दिन का और लेट्स गो, दिखा तो आज दिन में क्या क्या कर रहे हैं, लेट्स गो। कब उठा सो के आज बहुत सारा काम है, ऐसे कपड़ा वपड़ा धोना है और 2-3 काम है, मतलब किचन में बर्तन ऐसे पूरा बेसिन भरा पड़ा हुआ है, चौका मैं दिखाऊं थोड़ा सा, मैं क्यों दिखाऊं, लेकिन देखना तो हमारे गाँव दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड, इतना सारा पूरा बेसिन भरा पड़ा है, रात का खाना खा रहे थे हम दोपहर का, ऐसे लटका पड़ा हुआ है जो पूरा भरा पड़ा है, पहले दूध भी खाना है, जो ब्रेकफास्ट होते खा के ये सब काम करूंगा दूध ही खाना है, तो दूध है ना, सो देखते पहले दूध ले आते, जब ब्रेकफास्ट बना लेंगे ठंडा होता रहेगा अपना काम करते रहेंगे फिर आगे खा लेंगे, दूध ऐसा प्लान कर रखा हूँ मैं। सो फिलहाल बाहर जा रहे दूध लाने के लिए, जस्ट उठा ये फ्रिज वगैरह होगा कार्डियो वगैरह करेगा, मैं निकल जाऊंगा दूध लाने के लिए, बस अपने गली में ही सीन होता है लाइक गली में आंटी की दुकान उधर दूध ले आता हूँ मैं, लेट्स गो फटाफट चलते हैं। चिंटू तू फ्रिज वगैरह हो जाए कार्डियो वगैरह कर ले और लेट मी गो आउट। कॉलेज वाले ऐसे भी नहीं करते, घर वाले भी ऐसे नहीं करते, लेट्स गो फटाफट बाहर चलते और दूध ले आते, पहले 10 दिन का शुरुआत करेंगे, चिया सीड तो ग्रहण कर ही लिया, वो पेट में कुछ काम कर ही रहा होगा, कॉलेज वाले काम करे ना करे, तो लेट्स गो चलते अपना काम करते हैं। ऊपर में खाया थे गैलरी में, ओ तेरा कॉलेज जाने का मन था सेलिब्रेशन के लिए ओनम का, तेरा मन था तो गई क्यों नहीं पे, क्योंकि ये लोग के छिनार पर नहीं करते, ए, 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 बात यहीं खत्म, दूध लाने चलते हैं पहले अपन। एक्चुअली देखना था कि कॉलेज वाले कितना हद तक गिर सकते हैं वही देखना था। ऐसे बेइज्जती करती है कॉलेज के, जहाँ पढ़ते वहाँ बेइज्जती करती है, ऑटो वाले 4 साल में बिना कुछ करे मुझे बेइज्जती करवा रहे, उसका क्या अजीब भाई, बहुत दुख भरा पड़ा है भाई, बहुत दुख भरा पड़ा है, दुख नहीं पता है, कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो जाए मतलब आता नहीं है कि जाऊं कॉलेज में, आता ही नहीं है कि छोड़ो ये लोग हगे गई, मुझे पता है सिर्फ 50 रुपए दो और 1000 रुपए दो, हगे गई 1000 रुपए देने के बाद भी सबसे 50 रुपए करके दिए, भले हम नहीं दिए है क्योंकि किसी को गाड़ी चलाना नहीं आता, जिसको कुछ नहीं आता है, मैं कॉलेज की बात ही नहीं कर रहा ना, और एक्चुअली पता सीन क्या है, टॉयलेट बनाई होता है हटने के लिए, तुम कुछ भी कर लो, तुम सो नहीं सकता, तुम खा नहीं सकते, भाग रहे हो, am I right buddy? Yes, but I'm मेरे पुराने फॉलोअर समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लेट्स गो खाने में फोकस करता है। सो ब्रेकफास्ट बन गया मेरा, इधर ब्रेकफास्ट है उधर दूध गर्म कर रहा हूँ मैं अपना,
सो जा रहा हूँ, इसमें ठंडा होने में टाइम लगेगा, मैं तो कुछ काम कर लेता हूँ, लाइक कपड़ा डाल दे रहा हूँ प्रिंटिकल धोने के लिए, क्योंकि आज तो छुट्टी है, संडे ऐसे भी छुट्टी होता है, और मंडे से ईद का भी छुट्टी मिलेगा सर, आई एम नॉट डैम श्योर बट मिलेगा, मतलब होता है तो मिलेगा भाई, आज भी छुट्टी ऐसा नहीं है, आज हमारे बोले का अटेंडेंस लेगा, बट अटेंडेंस ले लो तुम ले लो अटेंडेंस। सो कपड़ा अपना डाल दे रहे भाई, पहले ये रख कपड़ा, इधर है अपना शिनाश, तुम हो मेरा आटा है, क्या बोला लड़का, ये सब धो दे रहा हूँ भाई, मतलब डाल दे रहा हूँ धोने के लिए, निकाल दूंगा धो के ऑब्वियसली, आज टाइम है पूरा हाथ में, कल भी टाइम है हाथ में, परसों भी टाइम है, बट मेरे को आज धोना है, लेट्स गो। ये सब डालते पहले, धोने तो बाद में, पहले इसको बाल्टी में डाल देते हैं, धोना होना चलता रहेगा, लेट्स गो। कितना बाकी है तेरा अभी? 4-5 है बहुत बाकी है, स्टार्ट ही करा लो उंडे ने, जा चल मौसम बहुत बस गए, चलो भाई शुरू हो जाते हैं, अब रेडी फॉर द ब्रेकफास्ट। सो अभी हम दोनों जा रहे हैं बाहर सब्जी वब्जी लाने के लिए, आज गाड़ी धोना पड़ेगा, ये सब अच्छे से धो दूंगा क्योंकि हम कहीं प्लान कर रहे हैं जाने का, वो मैं वीडियो में ऑब्वियसली, ए चाबी ले मेरे से, इधर आप कर ले चाबी ले, वो मैं वीडियो में अपडेट कर दूंगा कहाँ जा रहे नहीं जा रहे क्या कर रहे नहीं कर रहे, फिलहाल निकले सब्जी लाने के लिए, मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ कि हम कहाँ जाने वाले हैं, गाड़ी वाड़ी धो धो के आराम से बताता हूँ, कोई हड़बड़ी हमें कॉलेज से धमकी आ रहा है, लिटरली भाई धमकी आ रहा है कि तुम प्रोग्राम नहीं आओगे तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 15 दिन का आपसे 10 दिन का आपसे, मतलब उनको भी पता है कि प्रोग्राम खास है नहीं, और जबरदस्ती बुला के भीड़ इकट्ठा कर दो, गेस्ट लोग को फील होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो क्या है ऐसे प्रोग्राम में जाकर तुम्हें मजा आएगा, अगर तुम्हें जबरदस्ती बुलाया जा रहा है तो तुम्हें मजा आएगा प्रोग्राम में जाके, कद्दू मजा नहीं आएगा बहन, तो पीछे बैठे तेरा क्या था निकलते सब्जी वब्जी लाने के लिए। लेट्स गो, सारा सामान लेकर रूम में आ गया हूँ अभी, ये रहा सारा सामान, और ये रहा, मैं एक्चुअली बाहर से पी लिया था ना, वीडियो में देखा होगा मैं पी लिया बाहर से ही, ये रहा चिंटू भाई ले ले, हे पी ले तेरा ये, तेरे पिएगा कैसे पिएगा जब शर्ट के पी ले इसको, इधर से बस मार रहा है, उंगली से टूट जाता है इतना कमजोर होता है, हां जा महंगा सब कुछ का दाम बढ़ चुका है यहाँ पे, मतलब पहले सब कुछ सही था, सडनली देख रहा हूँ की एकदम प्राइस हाई हो जा रहा है, सब कुछ प्राइस ज्यादा हो गया, अचानक से फील हो रहा है ऐसा, कोई नहीं अब रूम में आए हैं फटाफट काम वाम करते, जो भी काम कपड़ा वपड़ा निकालना है, पूरा भर के पानी निकले है, ये पूरा भर जाता नीचे गिर गया पानी, ये सब पानी चिंटू कैसे चाकू मारा बीच में इधर को मारा, अब एक्शन दिखाएगा मारा पचास से निकल गया, ये सब इसी गीला करते, ये पूरा भर जाता नहीं तो हाथ में लग गया, ये पूरा भर जाता, और फील हुआ था जब मार्केट में पी रहे थे ना उस टाइम फील हुआ कि पानी ज्यादा है, एक्चुअली हम बहुत सारे पीते रहते ना, हमें कभी फील कर पानी बहुत कम था, पानी थोड़ा ज्यादा था, आज ऐसे पर्सनली फील हुआ कि पानी थोड़ा ज्यादा था, सो ये पूरा भर जाता बट ये भर नहीं पाए इतना हुआ, कोई नहीं ले पी ले पूरा, गिर गया कोई नहीं सब कर लेंगे बाद में, पी ले, अरे लड़के अरे अरे लेट्स बिल्कुल पीन दो भाई, अपन चलते हैं यहाँ से, हाँ 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 कोई विश्वास करेगा इसमें चिकन कितना है, ये पूरा कढ़ाई यहाँ से भर पड़ा है, ऑलमोस्ट इसमें 1.5 kg चिकन है, लेट्स गो, बन गया ऑलमोस्ट, खाना वाना खाते हैं और दिन कपड़ा धोना थोड़ा सा, खाना वाना खा कपड़ा आराम से धोएंगे ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए और काम भी हो जाए, तो लेट्स गो, टाइम भी ज्यादा हो गया एक्चुअली, मतलब 2 बज के ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, तो फटाफट खाते, शाम को मेरे को जिम भी जाना पड़ेगा, और मैं आज के दिन मतलब ऐसे मैनेज कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा संडे है, मेरे को बार बार फील हो रहा है संडे है, क्लिनिकल ड्रेस धो दिया मतलब संडे है, शाम को जिम नहीं जाऊंगा, फिर ऐसा नहीं हिट कर आ रहे, नहीं भाई आज तो सैटरडे है, जाएंगे शाम को आराम से जिम जाएंगे, पहले खाना खाते हैं, खाना बन ही गया तो फटाफट खाना खाते हैं, चिंटू बैठ भी गया खाने के लिए, मैं दिखाऊं कहा, अरे लड़का भी बैठा हुआ कहाँ चला गया, ओए इधर क्या कर रहा है, उठ उठ उठ, लेट्स गो, खाना बन गया, फटाफट खाते हैं, सुबह का खाना वाना खा के कुछ काम कर लूंगा, बट काम वाम कर नहीं पाया, अभी जिम निकलने के लिए सोच रहा हूँ, बाहर इतना धूप है तेज का बहन जो क्या ही दिखाऊंगा मैं, तो बहुत तगड़ा धूप है भाई बाहर, हम लिटरली बहुत तगड़ा धूप है, कैमरा उतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा, बट
एक्चुअली बहुत तगड़ा धूप है। जिम नहीं कर जा रहा हूँ, देख रहा हूँ क्योंकि कहीं जाने का प्लान भी कर रहे हैं एक्चुअली हम। सो बता दो, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा मैंने। फिलहाल जिम भी हम देखता हूँ, निकल जा रहे हैं, रेडी वेडी होंगे निकलते टाइम पे, थोड़ा सा धूप ढल भी जाएगा। सो लेट्स गो, रेडी होते हैं। चल जिंडू लेट्स गो, बस जी फटाफट रेडी होते जिम के लिए भी। और मैं क्या ही बोलूँ अभी, चलो जी अच्छे से। अरे कांचा अपना जैकेट को लेट्स गो, जिम निकलता है। लिख और कोटक तगड़े में करके आऊंगा, हमेशा मैं बोलता हूँ मैं एक्चुअली करके भी आता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने सब फेंक दिया और कर नहीं पाया मैंने। सो लेट्स गो चलते हैं और अच्छा और कोटक करके आते हैं, और देन शायद मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा शायद से। उधर जाके एक्चुअली प्लान बनता है हमारा, ऐसा नहीं कि पहले से प्री प्लान होता है कि जाके आज ये करेंगे, जाके उधर देखते हैं कि क्या सीन नहीं है। सो लेट्स गो जाके देखते हैं क्या प्लान बन रहा है। वीडियोस वगैरह का तो बना के डालूंगा मैंने, फिलहाल के लिए लेट्स गो। जस्ट देख रहे हो हमारे गली में बहुत सारा मतलब टूनी लाइट लगा रखा होता है ना, चाइनीज लाइट सॉरी चाइनीज लाइट लगा रखा है बहुत सारा, और सेलिब्रेशन होगा गणेश चतुर्थी का। ये इधर से स्टार्ट हुआ है तो उधर बिठाएंगे एक्चुअली गणेश भगवान को, ये बिठाए नहीं लेकिन बिठाएंगे, तो ये लोग पूरा गाना वाना बजा रहा तगड़े वाला, और यहाँ से स्टार्ट हुआ एक्चुअली। सो पता नहीं कब करेंगे बट बहुत जल्दी करेंगे, जहाँ तक पता है मैं व्लॉग कंटिन्यू कर भी नहीं पाऊंगा, जिम से जस्ट भी आया कुछ खाते हल्का फुल्का, फिर थोड़ा मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, गाड़ी में पेट्रोल फुल करवाना है क्योंकि रात को कहीं निकल रहा हूँ मैं, वो मैं कल वाला व्लॉग अच्छे से बता दूंगा। और गाड़ी वाली साफ वाफ करना है वो मैं सर दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि इतना सारा शोर होगा ना, शायद व्लॉग मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग एक तगड़ा व्लॉग लोग तो दिल्ली टाटा।